उसका ना हो बाल भी बाका जिस दासाई राखा। बाबा जी प्लीज 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 मदद करो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आगे कच्चा रास्ता है, नहीं जा पाओगी, यही झोपड़ी विच ठहर जाओ, वहाँ कोई नहीं रहता है, और जब तो बारिश रुक जाए तूफान रुक जाए तब चली जाना। हाँ बहन जी, सरदार जी का तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं लगता बेचारे बच्चे होंगे। उनकी वोटी मेरी हाथ गाड़ी में उन्हें लेटाकर केरों के अस्पताल तक ले गई है। हाथ गाड़ी? जी। हेलो, टायर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्या बात? सरबजीत सिंह नाम के किसी पेशेंट को एडमिट किया गया अभी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। पानी 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 सरबजीत जी, जब तलक है सांस बंधिया तब तलक एक आस है, जख्म से न डर बंधिया क्योंकि मरहम तो तेरे पास है। वाहे गुरु, साफ ठीक कर देंगे गुरु नानक जी महाराज। भूल गई महर पुत्र, बचपन में मैंने तुझे क्या सिखाया था? जब हम फौजियों को खून रोकने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे? ऐसे में मकड़ी का जाला राम बाण होता था, 2 मिनट में जख्म भर देता था। पहले धीरे से मकड़ी के जाले को उतारो, फिर पोले पोले उसे उंगलियों में अटका लो, फिर उसे जख्म पर लगाओ और धीरे से एक कपड़ा बांध दो, बस। हो जिस दासाई राखा, जिस दासाई राखा उसका ना हो बाल माता, निखर गया वो जिसने अपने अंदर रब को जाता, उसका ना हो बाल दीवा का जिस दासा गया वो
जगदी कजदा इस तोवत ही आखा। अल्फा टू रोमियो, अल्फा टू रोमियो, सरबजीत सिंह गिल की कोई खबर? रोमियो टू अल्फा, रोमियो टू अल्फा, कोई खबर नहीं। मेहर कौर का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। ओवर। तलाशी जारी रखिए। ओवर एंड आउट। सरबजीत जी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सुना आपने? आपने ही मुझसे कहा था ना कि अभी पूरी उम्र बची है साथ रहने के लिए, हंसने के लिए। आपने वादा किया था मुझसे, और मुझे पता है कि आप अपने वादे के, ये जमान के पक्के हैं। कीजिए वो वादा जो आपने मुझसे गुरुद्वारे में किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। आप ये वादा नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते हो आप ये वादा। ये कैरो का बॉर्डर है। आहो, इतनी मिली मेहर, मतलब चांस बहुत कम है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। एथे की होया बाबा जी? ऐ झोपड़ी किद्दी है? ऐ झोपड़ी किसी दिन आई है, कई साल तो खाली पड़ी है। मैं कदे कदे उत्थे जाके आराम कर लेना हूँ, क्योंकि वाहे गुरु जी दा खालसा सी वाहे गुरु जी दी फतेह। की होया? एथे जाके देख दिया। ओ झल्ले, चुप कर, झोपड़ी में थोड़े रहते होंगे। चल आगे जाकर देखते हैं। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जी, आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया, और हमेशा आपको बचाती रहूंगी। आपके सामने आपकी ढाल बन के खड़ी रहूंगी जिंदगी भर। कुछ नहीं होने दूंगी आपको सरबजीत जी। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप बच्चों का कुछ नहीं होगा आपको। बच्चों का ख्याल, आपका ख्याल, आप सबका ख्याल रखूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। सरबजीत जी, आप देखो, कुछ पता नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपके बिना गुजारे हैं मैंने, अब तो मौत भी आ जाए तो आपकी ये बाहें आपको थामने के लिए आजकल और हमेशा जिंदगी भर, जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है ना, मैंने आपको कुछ नहीं होने देना, सब ठीक हो जाएगा। आज तक मैं जिन बंधनों में बंधी थी उन सबको तोड़कर मैंने सब पहले जैसा कर देना है, सब पहले जैसा कर देना है। बस आपको मेरा साथ देना होगा। प्लीज। बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, और अब प्लीज थोड़ा सा तो पॉजिटिव सोचिए। बस आप ठीक हो जाओ, फिर जिस किसी ने भी आपका यह हाल किया है उसकी जिंदगी बदहाल कर दी है मैंने। BB02-6265 मम्मी जी, मैंने रॉबी वीर जी को फोन करके सब पता लगा लिया है। मेहर अमृतसर वापस आ चुकी है, वही बचा कर लेकर गई है सरब को।
पांच साल का इंतजार अब खत्म हुआ है। पहली बार मेहर का पूरा परिवार एक साथ एक शहर में है। वंडरफुल जी, वंडरफुल। ठीक ऐसे ही चलेगी मेहर और उसके पूरे परिवार की चिता। ये है हमारी प्यारी प्यारी नानी माँ और ये है यूवी और ये है राणा मामा, ये है बिट्टू मामा और ये है जीतू मामी और ये है गिन्नी मामी। सब हमारी फैमिली है और ये हमसे और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मा पापा ने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। बुद्धू, मम्मा पापा की शादी? मुझे मेरे मम्मा पापा को रियल में साथ देखना है, फोटो में नहीं। मेरे मम्मा पापा कहाँ चले गए? वो दोनों कब आएंगे? रुको। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना, मुझे इनके बिना नहीं रहना। वेट, देख न्यू टॉयज। मुझे न्यू टॉयज नहीं चाहिए, मुझे अपनी मम्मा चाहिए। सहर, अब खुद का लो ना, ऐसे जिद नहीं करते और वैसे भी डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। चलो सहर, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे अपनी मम्मा के पास जाना। नहीं, आप वीक हो, हाँ आप रेस्ट करो, चलो लेट्स गो इन द रूम। छोड़ो। ओके, सॉरी। आप क्या करोगे वीर जी? वही करण जैसी इस सिचुएशन में मेहर मम्मा करती थी। एक बात बता करण, अगर शहर मेहर मम्मा को ढूंढने जा रही है लेकिन मेहर मम्मा शहर को ढूंढते घर आ गई, फिर मेहर मम्मा शहर को ढूंढने के लिए बाहर जाएगी और शहर मेहर मम्मा को ढूंढते घर आएगी। मतलब दोनों एक दूसरे से फिर भी नहीं मिल पाएंगे, क्या फायदा? उसका क्या सलूशन है वीर जी? इसका तो बस एक ही सलूशन है। मेहर मम्मा कहती थी परम पुत्र कोई कहीं भी जा रहा हो घूम फिरा के वापस घर ही लौटता है। शहर को जहाँ जाना है उसे जाने दो, हम तो यही मेहर मम्मा का वेट करेंगे। मैं भी मम्मा का वेट करूंगी रूम में, लेकिन खबरदार तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आए तो। चलो अब तुम दोनों फुरसत मुर्गा में जाओ। मैम, हमने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। मिलेंगे, यहीं कहीं हैं वो लोग। आप एक दो टीम्स और लगवाइए एंड प्लीज हरी अप। चलो। हेलो दी, दी मैं मेहर। मेहर कौन थी? मुझे पता है, मैं आपके लिए तो मर गई, लेकिन प्लीज सरब कहाँ है यही बताने के लिए आपको फोन किया है। हम कह रहे हो कि मटियारा पिंड के डाकघर के पीछे वाले झोपड़े में है। सरबजीत जी बहुत जख्मी है दी। दी, बच्चे ठीक है ना? हेलो दी,
सकती। ओ बाजी बा, ओ अब मजा आएगा। रानी, मम्मी जी को क्या हो गया? मेरे को तो लगता है मम्मी जी पे कोई माता आ गई है। बाजी बा, ओ अब मजा आना है, ओ अब मजा आना। डॉक्टर सानी, और कितनी देर लगेगी आपको पहुंचने में? प्लीज थोड़ा जल्दी पहुंचिए। पता नहीं मेरा सरब कैसा होगा। मम्मी जी क्या हो गया आपको? मम्मी जी आप ये ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहे हो? सरब मरा नहीं है। वो जिंदा है अभी। वो ऊपर से वो मेहर भी वापस आ गई है। ओ मम्मी जी आपका प्लान फेल हो गया। फेल। ओ वाह जी वाह, ओ यही तो है असली खुशी का मौका, ओ जिसका इंतजार मैं पिछले 5 सालों से कर रही थी। आज वो इंतजार खत्म हुआ है। ओ मेहर का पूरा परिवार एक साथ एक शहर में है। वंडरफुल जी वंडरफुल। मैंने कहा था ना आपसे मेहर जी मिल जाएंगे। हाँ 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 सुन लिया, तेरी मेहर जी मिल गई है, बस अब तो कुछ स्ट्रेस मत ले। दी दी अच्छा वो आप आ गए। डॉक्टर साहब ये चिपचिपा सा क्या लगा हुआ है इसके सर पे? मैंने लगाया था मकड़ी का जाला। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने जख्म के ऊपर मकड़ी का जाला लगा दिया। बहुत अच्छा किया आपने, वरना आप ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से मिस्टर गिल कोमा में भी जा सकते थे। मेहर जी। हाँ सरबजीत जी, मैं आपके पास ही हूँ। नहीं कभी नहीं, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। डॉक्टर साहब ये सेडेटिव दिया है इन्हें, ही नीड्स रेस्ट। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.